सो वी विल कंटिन्यू फर्दर. हम लोगों ने 2A किया, अब हम लोग करेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2B. तो 2B देख के समझ में आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग का सम है, राइट? इज दैट राइट? ओके. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ए विच इज सोल्ड इन द मार्केट एट 45 पर यूनिट. तो सेलिंग प्राइस दे दिया है हमें, राइट? दे हैव गिवन अस द सेलिंग प्राइस. द कंपनी हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स पर ईयर, राइट? द बजट फॉर द 18-19 प्रोजेक्ट्स आर सेल्स ऑफ. कैपेसिटी 40,000 है, उससे कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को. हमारा जो 18-19 का बजट है उसमें 30,000 सेल्स प्रेडिक्टेड है. कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट आर एक्सपेक्टेड बिलो. मटेरियल दे दिया, वेजेस दे दिया, ओवरहेड दे दिया. तो ये ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया है, ठीक है. सो पहला है फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. तो हम लोग फर्स्ट पार्ट का आंसर के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 45 लेस वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल लेबर ओवरहेड 12,906. सो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन हाउ मच, 18. सो देयरफॉर पीवी रेशियो इक्वल्स टू, पीवी रेशियो इक्वल्स टू, यस और नो? तो पीवी रेशियो कितना आएगा, 18/45 × 100, दैट कम्स टू 40%. आया ना, तुम्हारा पीवी रेशियो आ गया 40%. इज दैट फाइन एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम, पूछ सकते हैं आप लोग. नाउ वंस आई हैव गॉट द पीवी रेशियो, राइट, सो दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट एंड ब्रेक इवन. तो सबसे पहला पीवी रेशियो आ गया, ठीक है, पीवी रेशियो आ गया. तो एक काम करते हैं, टोटल सेल्स कितना है चेक करो. तीस हजार प्रोजेक्टेड है, × 45 अगर करते हैं, 30,000 प्रोजेक्टेड है × 45 करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 13.5 लाख. अच्छा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अगर, तो ये हमारा नोट वन था, राइट? ये हमारा नोट टू. तो देयरफॉर ब्रेक इवन सेल इज व्हाट, टोटल सेल्स माइनस एमओएस कर लो, 13,50,000 माइनस 4,12,500, तो कितना आएगा, 937,500, राइट? सिंपल है ना, मेरा पीवी रेशियो आ गया. अभी मेरे को सेल्स मालूम है, टोटल सेल्स 30,000 वॉल्यूम है हमारा, 45 करके हमने बेचा है. तो टोटल सेल्स से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा. अभी वी नो ब्रेक इवन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी. तो हमें 937,500 हमारा ब्रेक इवन है, × 40% करेंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, यस और नो? सो और फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू
375,000. तो ये हमारा पार्ट वन का ब्रेक इवन आ गया, ये हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया. बड़ा ही सिंपल था पार्ट वन, कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं. राइट कोई भी पहले निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. देन वी हैव इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या बोला है हम लोगों को, सेकंड पार्ट दे हैव टोल्ड कैलकुलेट द वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल. ठीक है, सो आई नो दिस. लेट वॉल्यूम बी एक्स, सो 45x माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 27x इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाउ मच, 375,000 फिक्स प्लस प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज 20% ऑफ 45x. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव मी कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज वॉट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. और कैसे होगा, सो दिस इज 18x कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज 375,000 प्लस 20% ऑफ दिस इज 9x, और 9x इक्वल्स टू 375,000, और x इक्वल्स टू, सॉल्व करिए. कितना आ रहा है, 375 डिवाइडेड बाय 9, 41667 यूनिट्स. डन. स्टेप का सम वी हैव डन. पार्ट थ्री भी बहुत सिंपल है. लेट सेम उसी टाइप का है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड बी वाई. नाउ 45y माइनस 27y इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज फिक्स कॉस्ट. Profit is 20% of investment amount, and our investment is 10 lakh. Or 18y is equals to 5,75,000, क्योंकि ये 2 lakh आ रहा है. Or y is equals to 5,75,000 divided by 18. अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप करिए, मुझे नहीं करना है टाइम वेस्ट. देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस. 31945 यूनिट्स, ऑलवेज ऊपर में राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है,
सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये मतलब पार्ट टू या पार्ट थ्री। अभी पार्ट फोर में क्या बोला है, बोला प्रॉफिट वही मेंटेन कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस को मैं 44 पे लेके आ रहा हूँ। तो द मोमेंट आई एम ब्रिंगिंग सेलिंग प्राइस टू 44, द कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो रिड्यूस बाई 1 रुपी। यस और नो? सो पार्ट फोर, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड बी जेड। सो 44Z माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज सेम, इट इज 375 प्लस आई हैव टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट एज पार्ट थ्री। तो 17Z इज इक्वल्स टू 575 और Z इज इक्वल्स टू 575 बाई 17, दैट इज कमिंग टू हाउ मेनी यूनिट्स, जस्ट चेक। थ्री 8 to 4, ऊपर राउंड ऑफ करेंगे। सो ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर था, ऑल द थ्री क्वेश्चंस वेर सिमिलर, सेम पैटर्न में करना है हम लोगों को। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स प्लस प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज व्हाट, फिक्स प्लस प्रॉफिट, बैक कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल गो फॉर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3A। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3A, ठीक है। नाउ बैच कॉस्टिंग का समय, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना, ऑप्टिमम रन साइज एंड नंबर ऑफ रन्स फॉर बियरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू पार्ट वन, राइट, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज व्हाट, 2 into A into S by CH, where A is equals to annual demand of finished goods, कितना production हो रहा है, S, cost of setup per batch, CH is होल्डिंग कॉस्ट, मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और यहां पे कैरिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट होगा। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, वो दे दिया, होल्डिंग कॉस्ट 20 पैसा पर यूनिट पर मंथ, तो 20 पैसा पर यूनिट दिया है, लेकिन इनटू 12 करना पड़ेगा, 2 रुपया 40 पैसा इज माई होल्डिंग कॉस्ट, PUPA। सो वी हैव रूट ओवर 2 into, वॉट इज अवर क्वांटिटी, सप्लाई प्रोडक्शन 48,000 into
setup is 384 by 2.40. सॉल्व करके बताइए 3919 तो इट्स 39 कितना आ रहा है 3919.18 तो इसको राउंड ऑफ कर लो 3920 यूनिट्स मतलब हर बैच में 3920 यूनिट्स वी विल प्रोड्यूस हर बैच में 3920 यूनिट्स वी विल प्रोड्यूस हर बैच का प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी दिस राइट ईच बैच आई विल प्रोड्यूस 3920 यूनिट्स Is that fine? Now, अगर हर बैच में इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना करना पड़ेगा पूछा है अपने को नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन दैट इज ए बाई ई बी क्यू 48,000 बाई 3920 सो अगर आप देखेंगे हिसाब से तो ये आएगा आपका 48,000 डिवाइडेड बाय 3920 तो 12.24 बैच आ रहा है सो बहुत सारे बुक्स में यू विल फाइंड दैट दे हैव टेकन डेसिमल एंड बहुत सारे बुक्स में यू विल फाइंड दे हैव राउंडेड ऑफ तो अपने क्या करेंगे 13 बैच अप्रोक्स तो 13 बैच में ये प्रोडक्शन होगा पार्ट टू क्या पूछा है क्वेश्चन का पार्ट टू इज इंटरवल टाइम गैप between two consecutive batch run तो साल में 365 दिन होते हैं और 13 batch होने वाला है तो 365 divided by 13 28 days approx मतलब दो batch के बीच में 28 दिन का gap होगा आज एक production होगा फिर 28 दिन के बाद वापस से production होगा Now this is the best optimum batch size. Yes or no? EBQ से अपने क्या क्या पता? Optimum batch size at which sum total of part 3 EBQ is the optimum batch size at which sum total of setup and holding cost is minimum so if I select any other batch quantity if we select any other batch size the above total cost is bound to increase तो वही तो लोग क्वेश्चन में भी पूछा एक्स्ट्रा कॉस्ट क्वेश्चन को भी पता है कि बढ़ेगा खर्चा सो दैट इज वाई दे हैव आस्क्ड अस कितने से बढ़ेगा बताइए सो क्वेश्चन में बोला है तो अगर कंपनी अडॉप्ट करता है 8000 यूनिट को एक बार में प्रोड्यूस करने का तो अपने को क्या करना है एट ईबीक्यू का सेटअप और होल्डिंग कॉस्ट और न्यू पॉलिसी के हिसाब से सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट राइट right?
एज पर ईबीक्यू दैट इज 3920 यूनिट्स और एज पर न्यू पॉलिसी दैट इज 8000 यूनिट. सिंपल टोटल सेटअप कॉस्ट ए बाई क्यू इंटू एस. तो यहाँ पे तो 13 है ना इंटू 384, यहाँ पे 48,000 बाई 8,000 तो 6 बैच साइज होगा 6 इंटू 384 तो 13 इंटू 384 कितना आ रहा है 13 इंटू 384 4992. बहुत जन वो राउंड ऑफ वाला मतलब डेसिमल में लेके करेगा तो उनका और कम आएगा थोड़ा. और 6 इंटू 384 2304 टोटल होल्डिंग कॉस्ट. रिमेंबर कैसे निकालते हैं Q बाई 2 इंटू सी एच तो यहाँ पे है 3920 बाई 2 इंटू 2.4 ठीक है 3920 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.4 4704. तो ई बी क्यू में ये सेटअप और होल्डिंग कॉस्ट बराबर आना चाहिए. क्यों नहीं आ रहा बिकॉज हम लोग यहाँ पे 12.24 नहीं लेके पूरा 13 ले लिया. और यहाँ पर क्या होगा इधर में है 8000 बाई 2 इंटू 2.40 टोटल कॉस्ट 4992 4704 9696 2304 प्लस 9600 11904. सो एक्स्ट्रा कॉस्ट 11904 माइनस 9696 and 9696 2208 देख लीजिए अच्छे से. ठीक है अगर हम लोग ये 12.24 लेंगे तो सेविंग्स और थोड़ा ज़्यादा होगा मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ा और ज़्यादा आएगा राइट. सो इफ आई गो बाय द न्यू पॉलिसी राइट इफ आई गो बाय द न्यू पॉलिसी इन दैट केस आई विल बियर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 220808. नाउ बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पीपल माइट गो फॉर दिस प्रोवाइडेड दे एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो ये जो आंसर है ना ये मैं हाई लेवल की बात बता रहा हूं राइट सब्जेक्ट टू इकोनॉमी. ये आपको भी पता है अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो यू कैन हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल
तो यहाँ पे वो चीज का फायदा देखना पड़ेगा कि मैं मानता हूं कि मेरा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, बट आई कैन आई एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? तो इसका भी एक कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग किया जा सकता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है और हमको पूछेगा भी नहीं। अगर बोलेगा फर्दर तो अपने यही लिखेंगे, अगर और कोई कमेंटिंग करने बोलता है एक्स्ट्रा कॉस्ट के अलावा, कैन दिस बी बेनिफिशियल? यस, इट कैन बी बेनिफिशियल इफ यू कैन एंजॉय सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? आइए, सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3A। सो नाउ वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3B। देख लिया आप लोगों ने, सिंपल है, ईओक्यू जैसा ही है, ईबीक्यू, राइट? और ये जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, जितने भी आप टेक्स्ट बुक उठाइए, कोई भी ऑथर का बुक उठाइए, कहीं पर भी उठाइए, ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट? कुछ कुछ में तो आपको फिगर्स मैच किए हुए मिलेंगे, मतलब इस टाइप के कुछ कुछ एग्जाम में पेपर ऐसे आते हैं ना जिनका फिगर्स भी चेंज नहीं होता, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक से रेफर करके बनाते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी कि आपने जिस टेक्स्ट बुक से पढ़ा और एग्जामिनर किस टेक्स्ट बुक से बना रहा है वो मैच अगर कर जाए तो आपको सेम टू सेम एज इट इज विथ फिगर्स आपको सम्स मिलेंगे, राइट? आइए, एनीवे, हम लोग तो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, राइट? हम लोग मेहनत से आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या करता, मैं आपको दिखा देता, मैं आपको मार्क करा देता, लो बेटे ये हमारे इतने नंबर पेज से, ये हमारे इतने नंबर पेज से, बट वो हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा। मैं आपको लाइव सॉल्व करा रहा हूँ एंड आप लोग देख रहे हैं कि हमारा पेपर कहीं ना कहीं 100 नंबर का पेपर 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटे में हो जा रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये ज्ञान की बात है, आप थोड़ी अपने बगल वाले को समझाएंगे जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। मैं जो पॉज देता हूँ कॉपी करने के लिए, आप थोड़ी ये बगल वाले को दिखाएंगे, भैया देख भाई देख, जल्दी देख, मेरा टाइम निकला जा रहा है, ऐसे नहीं होता। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3B, मतलब अगर आपने क्लासेस प्रॉपरली फॉलो की है, अगर आपने जो लोग भी पेनड्राइव क्लास लिए हैं, अगर उन लोगों ने भी सारा क्लासेस प्रॉपरली किया है, तो एज ऑफ नाउ वी हैव सॉल्व 2-3 पेपर्स, सो आई डोंट थिंक दैट वी हैव फेस्ड मच डिफिकल्टीज, राइट? हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हमारे, हम लोग जहाँ से भी हम लोग सॉल्व किए हैं, इंस्टीट्यूट का बुक से किए हैं, आई हैव गिवन यू फ्यू स्टडी मटेरियल ऑफ माइंड, नाउ वो भी कंपाइल्ड है, कहीं ना कहीं से लिया हुआ है। नाउ ऐसा हो सकता है कि वो एग्जैक्ट सब मैच नहीं करे, बट उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है। आइए, अभी हम लोग करेंगे 3B। नाउ 3B भैया बहुत अच्छा सम है, राइट? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम है, बहुत ही बढ़िया सम है, एकदम अच्छे से हम लोगों को करना है। नाउ 3B में क्या बोला हुआ है, मैसेज HMB लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इन 10 बैचेस ईच ऑफ 15,000 यूनिट्स इन अ ईयर, ठीक है, फाइन एनफ। फॉलोइंग ओवरहेड्स, मटेरियल प्रोक्योरमेंट दिया हुआ है 22,50,000, मेंटेनेंस दिया है 17,30,000, सेटअप दिया है 6,84,500 एंड क्वालिटी कंट्रोल दिया है 5,14,800। प्राइम कॉस्ट पूरे साल का, मतलब ये 10 बैच × 15,000 यूनिट, एक बैच में 15,000, 10 बैच का डिटेल है ये, तो टोटल बैच का प्राइम कॉस्ट दे दिया। द कंपनी इज यूजिंग करेंटली द मेथड ऑफ अब्सॉर्बिंग ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब ट्रेडिशनल अगर बोलेंगे तो प्राइम कॉस्ट के बेसिस, मैंने आपको बताया है ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट में बोला है। अभी एक्टिविटी में वो लोग 4 ड्राइवर दे दिया, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, तो साफ दिख रहा है मटेरियल प्रोक्योरमेंट में जाएगा वो। मेंटेनेंस आवर, मेंटेनेंस के लिए है। नंबर ऑफ सेटअप, सेटअप कॉस्ट के लिए है। और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है, क्वालिटी के लिए। अभी वो लोग कोई एक पर्टिकुलर बैच का डिटेल दिया है, वन पर्टिकुलर बैच का डिटेल दिया है, उसका मटेरियल और लेबर दे दिया, एक्टिविटी यूज दे दिया, उसी का अपने को कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस निकालना है। तो पहले तो बैच कॉस्ट निकालेंगे, फिर बैच कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से इन दैट बैच। तो हमारे को 10 बैच का डिटेल है, राइट? तो अपने को जैसे ओवरहेड का एवरेज निकालना है निकाल लेंगे, फिर एक पर्टिकुलर बैच का कॉस्ट आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड बाई उस बैच का नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। हमको कॉस्ट ऑफ द बैच नहीं बोला, कॉस्ट पर यूनिट बोला, तो उस बैच में जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ उस हिसाब से। तो हर बैच में 15,000 प्रोड्यूस हुआ, ये क्वेश्चन में बोला है,
तो पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विच इज द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड देन दे हैव टोल्ड अस टू डू इट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग राइट. लेट अस स्टार्ट. तो हम लोगों को इसमें पहला पार्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन रेट राइट. नोट वन, यहां हम लोग को करना है टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल प्राइम कॉस्ट इन 200. तो सारा ओवरहेड मिला के कितना होता है, आइए कैलकुलेटर चलाइए चलाइए. 22,50,000, 17,30,000, 684,500 एंड 514,800. चलाइए चलाइए फटाफट चलाइए. कितना आ रहा है, 51,79,300 डिवाइडेड बाई 3,01,39,000 इन 200. कितना प्रतिशत आ रहा है बताइए, परसेंटेज बताओ बेटे परसेंटेज. 517,9300 डिवाइडेड बाई 301,39,000 इन 200, 17.18%. अब अपने को बनाना है जॉब कॉस्ट शीट, मतलब उस कस्टमर का. तो उस कस्टमर का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कितना है देखना पड़ेगा हमें. छब्बीस लाख 38,700 और 375,200. ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 30,13,900 प्लस ओवरहेड चार्ज्ड 30,13,900, इसका 17.18% राइट इनटू 17.18%. तो आ रहा है 517,788. इसको जब जोड़ेंगे ना तो हमारा ये बैच कॉस्ट आएगा, टोटल बैच कॉस्ट. तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए जो भी बैच कॉस्ट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे ठीक है. टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, 301,39,000 प्लस 517,788
3531688, तो 3531688 को हम डिवाइड कर देंगे 15,000 से, तो ये आ जाएगा हमारा 235.45. सो वंस वी हैव गॉट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उस हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे. तो इस पर्टिकुलर बैच का हमारा प्राइम कॉस्ट ये है, उस हिसाब से हमारा ओवरहेड चार्ज हो गया, तो हमारा बैच कॉस्ट आ गया. बट हमें को क्वेश्चन में पूछा है राइट कॉस्ट पर यूनिट. Is that fine? Right? तो अभी हम लोग सेम चीज करेंगे. कोरियर वाला आया है. ठीक है. सो अभी हम लोग को करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अपने क्या करते हैं, पहले जितना भी अलग अलग ओवरहेड का कॉस्ट पूल किया जाएगा एंड देन सबका अलग अलग एवरेज रेट निकाला जाता है. यस और नो? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्टिविटी डिवाइड कर रखी है आपके लिए, उसका कॉस्ट पुल भी कर रखा है, कॉस्ट ड्राइवर आपको बैठाना है, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, एंड देन हम अपने निकाल लेंगे कॉस्ट पर ड्राइवर. तो एक है आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट, देन वी हैव एक हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया, उसके बाद वी हैव मेंटेनेंस, देन वी हैव सेटअप, देन वी हैव क्वालिटी कंट्रोल. इज दैट फाइन? तो कॉस्ट पुल 22,50,000, 17,30,000, 684,500, 514,800. ड्राइवर क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट जाएगा, नंबर ऑफ पीओ पे, और पीओ है कितना टोटल में? 1500 पीओ है. ये जाएगा मेंटेनेंस आवर, और आवर्स कितना है? 9080. ये जाएगा नंबर ऑफ सेटअप में, तो सेटअप कितना है?
2250 और ये जाएगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन में और इंस्पेक्शन टोटल है 2710। ठीक है, अभी आप लोग डिवाइड करके कॉस्ट पूल को नंबर ऑफ ड्राइवर से डिवाइड करिए तो कॉस्ट पर ड्राइवर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1500 पर पीओ। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? 190.53 पर आवर। ठीक है, ओके फाइन। देन नेक्स्ट वी हैव 304.22 पर सेटअप। ठीक है, एंड देन वी हैव 189.96 पर इंस्पेक्शन। देख लीजिए, दिस इज हाउ वी शुड डू। इज दैट फाइन? तो अभी अपने को क्या करना है, ये हमारा कॉस्ट पर ड्राइवर आ गया। अब जो बैच का कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है उस बैच में कितना एक्टिविटी, कितना यूज हुआ है वो बता दिया है। उस बैच का प्रोडक्शन के लिए कितना परचेज ऑर्डर करना पड़ा, कितना मशीन सेटअप करना पड़ा, राइट, कितना मेंटेनेंस आवर लगा, कितना इंस्पेक्शन हुआ, वो सब दिया हुआ है। तो उस हिसाब से हमारा ये जॉब कॉस्ट शीट बनेगा। यहाँ पे ब्लैंकेट रेट यूज हुआ है, सिंगल ब्लैंकेट रेट, एंटायर ओवरहेड इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। लेकिन यहां पे जो जॉब कॉस्ट शीट बनेगा, जॉब कॉस्ट शीट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जोड़ के हमारा 301.39000, जिसमें मटेरियल है हमारा 2638700 और ये 375200। Overhead absorbed. Right. 1500 per order है और ये वाला particular batch बनाने में usage हुआ है 48 orders का। 190.53 पर आवर है और यहाँ पे 810 का मेंटेनेंस आवर लगा है। पर सेटअप है 40 सेटअप लगा है, 189.96 पर इंस्पेक्शन है, यहाँ पे 25 इंस्पेक्शन हुआ है, लो आ जाएगा
ये जो भी आएगा हमारा बैच कॉस्ट आएगा, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। आ जाइए फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ, 1500 × 48 72,000। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 190.53 × 810, राउंड ऑफ करके 154,329। (30.22×40) 121,627, 69 ले लो, 12169। ठीक है 189.96×25, 4749। (32,57,147) डिवाइडेड बाई 15,000, 3257147 3257147 217.14। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू आंसर टू क्वेश्चन नंबर
4a. नाउ 4a तो साफ देखे लग रहा है कि नॉन इंटीग्रेटेड का सम है. रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, जनरल लेजर एडजस्टमेंट. तो अपने ने चार अकाउंट बनाने बोला, यही चार बनाने बोला जिसका बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है, ठीक है. सो इन द बुक्स ऑफ, कोई नाम नहीं है. सो वी हैव टू ड्राफ्ट 4 लेजर अकाउंट्स. तो हम लोग क्या करेंगे, एक बोला है रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, एक बनाने बोला है WIP कंट्रोल अकाउंट. आप लोग ऊपर नीचे भी बना सकते हैं. एक बनाना है फिनिश गुड्स कंट्रोल जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. नाउ क्योंकि हम लोग सारा लेजर नहीं बना रहे हैं तो कुछ कुछ का सिंगल पोस्टिंग आएगा, कुछ कुछ का डबल पोस्टिंग आएगा. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन चारों अकाउंट को, इन चारों में से कोई भी दो अकाउंट को इन्वॉल्व करता है तो डबल पोस्टिंग आएगी. राइट, रॉ मेटल कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट. राइट, वो डायग्राम याद है ना, रॉ मेटेरियल वेजेस ओवरहेड तीनों आता है प्रोडक्शन ओवरहेड. रॉ मेटेरियल वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड तीनों आते हैं WIP में. WIP से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्टिंग पीएल, और वहां से सेल्स कॉस्टिंग पीएल, और कॉस्टिंग पीएल में बाकी सब ओवरहेड का अंडर रिकवरी. राइट, दिस इज द वे, द पैटर्न विच वी हैव रिमेंबर्ड, एंड आई हैव टोल्ड यू टू मेक दैट चार्ट एंड पेस्ट इट ऑन द वॉल एंड यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन. तो डायग्राम दिमाग में बस जाना चाहिए एंड मतलब आप बना लेने चाहिए. जैसे बचपन में इंडिया का मैप बनाने आता था ना, वैसे ही आप लोग को ये डायग्राम बार 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 प्रैक्टिस कर चुके हैं आप लोग. तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 10 ट्रांजैक्शन है और 4 बैलेंस है. खेल वहीं ख़त्म हो जाएगा बेटा. 10 ट्रांजैक्शन और 4 बैलेंस है और 10 नंबर का ये सवाल है. राइट, आ जाइए रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 282,450. ठीक है, WIP का 238,300. फिनिश गुड्स का 392,500 और जनरल लेजर का 213,253,250. राइट, तो चारों अकाउंट में बैलेंस लिख दिया. डेबिट सारा इन्वेंट्री का डेबिट साइड में बैलेंस आ गया और जनरल लेजर एडजस्टमेंट का, और ये हम लोग किया भी है बचपन में, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बोल के एक चैप्टर हुआ करता था हमारा. सो वी नो अकाउंट्स में था वो. सो 282,450 एंड 238,300 392,500 मैंने बैलेंस ठीक लिख लिया. अब आइए फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू WIP, मतलब ये वाला प्रोडक्शन ओवरहेड से WIP में ट्रांसफर हो रहा है. तो हेड डेबिट होता है, टेल क्रेडिट होता है. तो प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट होगा, WIP डेबिट होगा. तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. कितना
36, 350. राइट, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट हमें बनाना नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट से डब्ल्यूआईपी अकाउंट में आ रहा है, तो डब्ल्यूआईपी हेड हो गया डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. तो डब्ल्यूआईपी डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का रेफरेंस आ गया. पहला डन. गुड्स फर्निश्ड एट कॉस्ट, गुड्स फर्निश्ड एट कॉस्ट, फर्निश्ड नहीं होगा फिनिश्ड होगा, कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा. तो ये जाएगा हमारा डब्ल्यूआईपी से फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में. तो हेड क्या है? फिनिश्ड गुड्स. तो यहां डेबिट होगा 1376,200, रेफरेंस में आएगा 2 डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, और डब्ल्यूआईपी में आएगा 1376,200 बाई फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड बोला है ना, तो डब्ल्यूआईपी से फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल में जाएगा ये. राइट, तो इसमें दोनों अकाउंट इन्वॉल्व थे इसलिए हमारा दोनों में पोस्टिंग आया. रॉ मटेरियल परचेस, सो जीएलए से रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए. राइट, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा 1243,810, यहां लिखेंगे टू जीएलए अकाउंट, और जीएलए अकाउंट में लिखेंगे बाई रॉ मटेरियल कंट्रोल 1243,810. डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड टू डब्ल्यूआईपी, अब ये वेजेस से जाएगा डब्ल्यूआईपी में 256,800, तो वेजेस डब्ल्यू आई पी डेबिट हो जाएगा 256,800, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट. ओवरहेड से आ गया था डब्ल्यू आई पी में, अब वेजेस आ जाएगा डब्ल्यू आई पी में. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फिनिश गुड्स से चला जाएगा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाना है नहीं है, तो यहाँ से खाली हटा देंगे बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 1456,500. राइट, अपने वेजेस नहीं बना रहे, प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं बना रहे हैं, अपने कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बना रहे, क्यों मेहनत करेंगे. रॉ मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, अब ये रॉ मटेरियल अकाउंट से डब्ल्यूआईपी में जाएगा, तो डब्ल्यूआईपी डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट 1360,430 बाई डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट, और डब्ल्यू आई पी में आएगा 1360,430 टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट. बड़ा ही सिंपल है, इसका डबल पोस्टिंग आ गया. रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाई सप्लायर, नाउ सप्लायर के लिए तो ये सेल है ना, तो सप्लायर ने जब मेरे को बेचा था तब क्या एंट्री हुई थी सप्लायर अपने बुक्स में, क्या गया डेटर टू सेल. अब वो मेरे को क्रेडिट कर रहा है, मतलब सेल रिटर्न हुआ है तो मैंने परचेस रिटर्न किया है ना. सप्लायर ने मेरा अकाउंट क्रेडिट किया तो मैं उसका अकाउंट डेबिट करूंगा, तो डेबिट जब मैं करता हूं तो इसका मतलब मैंने रिटर्न कर दिया रॉ मटेरियल. तो ये मेरा जैसे परचेस का एंट्री मेरा जीएलए से रॉ मटेरियल में आया था, रिटर्न का एंट्री होगा रॉ मटेरियल से जीएलए. तो यहां पे मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल क्रेडिट हो रहा है. राइट, सप्लायर के लिए तो सेल है, सप्लायर जब सेल किया होगा तो मेरा अकाउंट को डेबिट किया होगा, अभी वो क्रेडिट कर रहा है, मतलब मैंने रिटर्न किया है, तो परचेज रिटर्न दिखाऊंगा ना, तो परचेज यहां डेबिट में है, तो रिटर्न क्रेडिट में आएगा रॉ मटेरियल अकाउंट के. तो रॉ मटेरियल में आया बाई जीएलए डैश देके रिटर्न, और जीएलए में आएगा टू रॉ मटेरियल कंट्रोल
27,200। अब रॉ मटेरियल लॉस हुआ है, इन्वेंट्री ऑडिट के बाद पता चला लॉस हुआ है, तो लॉस को अपने कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे। 6,000 का लॉस चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। WIP भी रिजेक्ट हुआ है, तो ये लॉस, ये रॉ मटेरियल का लॉस है, ये WIP का लॉस है, तो दोनों ही चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में रेस्पेक्टिव अकाउंट से। 12,300 कॉस्टिंग पीएल अपने बना नहीं रहे, डन। अच्छा, कस्टमर रिटर्न, तो ये सेल रिटर्न है, तो मैंने फिनिश गुड्स में भेजा था, फिनिश गुड्स में आ रहा है, टू कॉस्ट ऑफ सेल से इसको मैं बोलूंगा सेल्स रिटर्न 45,900। देख लीजिए, तो हमारा सारा पोस्टिंग हो गया है, पोस्टिंग में अब हमारे पास विशेष कुछ बाकी नहीं है, पोस्टिंग के लिए हमारे पास अब कुछ विशेष बाकी नहीं है। Is that fine? Everyone okay with it? Now, अभी देखो raw material account की अगर मैं बात करूं, तो raw material account में opening है, purchase है, goods issued है, return है, loss वगैरह आ गया, तो यहाँ पे raw material account से तो उसका closing balance आ जाएगा, right? करके बताइए कितना आ रहा है, 282,450 प्लस 1243,810 माइनस 13,64,30 माइनस 27,200 माइनस 6,000 132,630। ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग आ गया, इज दैट फाइन। वैसे ही WIP का भी क्लोजिंग आ जाएगा, क्योंकि देखो ओपनिंग है, सारा इंग्रेडिएंट्स है, ओवरहेड आ गया, वेजेस आ गया, मटेरियल आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया, रिजेक्शन भी आ गया, तो ऑटोमेटिकली बचेगा क्लोजिंग 238,300 प्लस 13,6350 प्लस 256,800 प्लस 13,60,430 माइनस 13,76,200 माइनस 12,300, तो ये आ रहा है 603,380। तो ये दोनों अकाउंट से हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, डन। उसी प्रकार से हमारे पास फिनिश गुड्स अकाउंट में देखो ओपनिंग है, प्रोडक्शन है, सोल्ड है, सेल रिटर्न वगैरह सब कुछ है, तो
तो हमारा फिनिश गुड्स का क्लोजिंग आ जाएगा। राइट तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग आ जाएगा, कितना दिया हुआ है कैलकुलेट करिए, 392,500 प्लस 1376 200 प्लस 45,900 माइनस 1456,500 कितना, पूछना है, थोड़ा वेट करो 2 मिनट। थ्री फाइव एट 100, ठीक है। अभी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में देखो, काफी सारा इंफॉर्मेशन मिसिंग है। प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड नहीं दिया हुआ है, राइट, वेजेस पेड नहीं दिया हुआ है। तो अपने ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितना हमारा एलोकेट हुआ है WIP अकाउंट में उतना हमने पे किया है, राइट। अच्छा, सेल का इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, सेल रिटर्न भी कॉस्ट वाला दिया हुआ था इसलिए हमने फिनिश गुड्स अकाउंट में दिखाया। तो हमारे पास सेल भी नहीं है, सेल रिटर्न भी नहीं है, सेलिंग प्राइस वाला COGS है, कॉस्ट वाला GP दिया रहता तो ऐड कर देते, सेल रिटर्न भी है कॉस्ट वाला, दोनों सेलिंग प्राइस वाला नहीं है तो हम लोग GLA में नहीं बैठा सकते। अच्छा, वेजेस पेड नहीं है, ओवरहेड इनकर्ड नहीं है, तो अपने इतना तो अज्यूम कर ही सकते हैं, राइट। वी कैन अज्यूम दिस मच कि जो भी ओवरहेड एलोकेट हुआ है वही हमारा पे ऑफ हुआ है। तो यहां पे अपने बाय प्रोडक्शन ओवरहेड 136,350, राइट, बाई वेजेस 256,800, राइट, जितना एलोकेट हुआ उतना ही पे हुआ है। अच्छा, सेल्स हम लोगों को पता नहीं है, सेल्स रिटर्न का भी सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, 1456,500 कॉस्ट वाला ही दिखा देंगे, तो हमारा फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।
ठीक है, इज दैट फाइन? नाउ तो यहां पे जनरल लेजर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बस वी हैव टू टेक सर्टेन अजम्पशंस, राइट, कि जितना हमारा ओवरहेड और वेजेस एलोकेट किया गया है WIP अकाउंट में उतना ही हमने पे ऑफ किया है, ये पहला अजम्पशन हो गया, इसलिए उतना ही हम लोग यहां पर दिखाए हैं। और जो COGS और सेल रिटर्न एट कॉस्ट है उसी को आप लोग एक बार सेलिंग प्राइस मान के GLA में पोस्ट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली अभी भी GLA में प्रॉफिट आना बाकी है, बट फिर भी एक बार टेम्पोररी एक बार बैलेंस निकाल कर छोड़ देंगे, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, राइट? तो फिर भी जस्ट एक बार टेम्पोररी हम लोग बैलेंस निकाल के एक बार छोड़ देंगे। नाइन वन थ्री टू फाइव जीरो प्लस वन टू फोर थ्री एट वन जीरो थ्री फिफ्टी प्लस टू फाइव सिक्स एट हंड्रेड प्लस फोर्टी फाइव नाइन हंड्रेड इक्वल टू माइनस डबल जीरो माइनस वन फोर फाइव सिक्स फाइव डबल जीरो। सो वन 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 टू फोर वन जीरो वन 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 टू फोर वन जीरो, राइट? नोट ओवरहेड एंड वेजेस charge to WIP is assumed to be amount paid for. Note COGS and sales return at cost is shown in GLA account. Instead of sales and sale return at selling price. अभी भी GLA पूरा complete नहीं हुआ है, GLA में अभी profit आना बाकी था, तो क्योंकि हमने profit नहीं दिखाया बोल के हम लोग sale और sale return को cost पे दिखा दे रहे हैं। बुक में आपका जो सजेस्टेड आंसर में जो किया हुआ है दैट्स क्वाइट इलॉजिकल, उन लोगों ने ये सेल को यहाँ नहीं दिखाया है, सेल रिटर्न एट कॉस्ट दिखाया है, इसको बैलेंसिंग फिगर ऑफ सेल ले लिया, नहीं होता है वैसे, चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं करती हैं। आज आप एक चीज़ सोचो, अगर आपके डोंट रेफर टू इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, आज अगर आपका रॉ मटेरियल है, आज अगर आपका WIP है, आज अगर आपका फिनिश गुड्स है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग GLA बैलेंस तो होगा ना। आई नो ये GLA बैलेंस करेक्ट नहीं है बिकॉज अभी सेल सेलिंग प्राइस पे आएगा, सेल रिटर्न सेलिंग प्राइस पे आएगा, कॉस्टिंग पीएल से प्रॉफिट आएगा, कॉस्टिंग पीएल में क्या क्या जाएगा, सेल सेलिंग प्राइस वाला, सेल रिटर्न सेलिंग प्राइस वाला, राइट, या नेट सेल्स COGS नेट, रिजेक्शन लॉसेस अंडर रिकवरी, उसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस आता है, वो प्रॉफिट लॉस को यहां बैठाएंगे तब जाके GLA का। तो कुछ हद तक ये सिमिलर है, लेकिन बुक में जो किया हुआ है सजेस्टेड आंसर में जो किया हुआ दैट्स एब्सोल्युटली लॉजिकल, राइट? तो ये हमारा ठीक है, जितना हमने चार्ज किया है WIP में, बच्चे जो जनरल लेजर बनाते हैं उनको पता है ना भैया यहां पे सारा पेमेंट्स आता है और सेल आता है, तो वेजेस का परचेस रॉ मेटेरियल का परचेस तो दिया हुआ है, ओवरहेड और वेजेस का पेड नहीं दिया, तो मान लेंगे जो चार्ज किया वही पे है, अज्यूमिंग अंडर रिकवरी नहीं है। अच्छा, सेल्स COGS दिया है, सेल प्राइस नहीं दिया, सेल रिटर्न एट कॉस्ट दिया है, सेल रिटर्न एट सेलिंग प्राइस नहीं दिया, तो वो अपने उसी को यहां बैठाएंगे, मानते हैं गलत है, ये सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए, ये भी सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए, कॉस्टिंग पीएल भी आना चाहिए यहां पे, तब जाके, तो एक बार टेम्पोरली कुछ हद तक तो सही है ना, राइट? सो इस तरीके से हम लोगों को ये करके
सिखाना है, और ये नोट हम लोग दे देंगे तो हम लोगों को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इज दैट फाइन? आ जाइए। सो नेक्स्ट वी विल डू आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4B। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4B, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम लग रहा है देख के फॉर द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ लीजिए, मैं भी व्हाट्सएप नहीं कर रहा, मैं पढ़ ही रहा हूं। मेसर्स एक्स वाई ट्रेवल्स हैज बीन गिवन अ 25 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू रन एन एयर कंडीशनड मिनी बस। कॉस्ट ऑफ द बस इंश्योरेंस दे दिया, वाइल एनुअल रोड टैक्स दे दिया, एनुअल रिपेयर दे दिया, द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 ईयर, ड्राइवर सैलरी दे दिया, कंडक्टर सैलरी दे दिया, उसको कमीशन भी मिलेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 18,000, डील 1,500 रुपये पर 100 किलोमीटर का, बस 4 राउंड ट्रिप मारेगा, कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। वाओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट मंथली बोला है तो अपने पैसेंजर किलोमीटर भी मंथली निकाल लेंगे। सो हमारा सबसे पहला नोट वन क्या होता है, हम लोग निकालते हैं किलोमीटर ट्रैवल्ड, है ना? सबसे पहले आता है किलोमीटर ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द मंथ, डिस्टेंस वन वे इंटू टू वे इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू नंबर ऑफ डेज, राइट? सो दैट्स वेरी सिंपल। डिस्टेंस वन वे 25 किलोमीटर जाना आना, दिन में 4 ट्रिप इंटू ऑन एन एवरेज 25 दिन, सो दैट कम्स टू 25 इंटू 2 50, ठीक है? 25 इंटू 2 हो गया 50, 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 हो गया कितना, 200, तो यह आएगा 5,000 किलोमीटर। नोट टू, पैसेंजर किलोमीटर 5,000 किलोमीटर इंटू ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर, तो 2,00,000 पैसेंजर किलोमीटर। ऐसा सम हम लोगों ने किया है बट फिगर मैच नहीं कर रहा है। अभी हम लोगों को बनाना है ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ,
ठीक है, सारा खर्चा लाइन से दिखा दो। सबसे पहला हम लोग का आएगा डेप्रिसिएशन, 20 लाख कॉस्ट है, स्क्रैप वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, डिवाइड बाय 5 × 1/12 लिख लेते पहले, फिर बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। इंश्योरेंस 20 लाख का 3% × 1/12 उसके बाद रोड टैक्स, ₹36,000 × 12 एनुअल रिपेयर, 50,000 × 12 ड्राइवर सैलरी 2,40,000 × 12 कंडक्टर सैलरी 1,80,000 × 12 ऑफिस ओवरहेड 18,000 × 12 डीजल लिखा है 1,500 लगेगा 100 किलोमीटर का, तो 5,000 किलोमीटर का कितना लगेगा? दैट्स इट, कमीशन है और प्रॉफिट है, वो दोनों को अलग से दिखा देंगे। फटाफट कैलकुलेटर चलाएंगे हम लोग। ₹4,00,000 / 12 3,333,333 3,333,333 रोड टैक्स 3,000। आप लोग कैलकुलेट करिए अपना, 50,000 / 12 4,167, 20,000, 15,000, 1,500, 75,000 करिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ का टोटल 333 + 4,167 प्लस 157 देखिए भैया,
डन. सो नाउ पार्ट टू. कॉस्ट प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू. सो रेवेन्यू इज 100, प्रॉफिट इज 25, कमीशन इन 10, तो कॉस्ट विल बी 65. देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 157 डिवाइडेड बाय 65%. Divided by 65%, 241,538. Therefore, fare per passenger kilometer is equals to total revenue by total passenger kilometer, that is 241,538 divided by 2 lakh passenger kilometer. $1.2076 per passenger kilometer. सजेस्टेड आंसर में वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो 18,000 है उसको 3,18,000 ले लिया है. मतलब अभी भी तुम आंसर ही चेक कर रहा है. भरोसा नाम का कोई चीज नहीं रह गया.